तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक का SMD बोर्ड B6 उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है और बहुत ही एक माइनर फॉल्ट है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये PCB एक इलेक्ट्रीशियन से नहीं, हमको लगता है कि 2-3 इलेक्ट्रीशियन के पास से ये घूर के आया है। तो फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रीशियन ही लेके आए हैं, कस्टमर लेके नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही माइनर फॉल्ट है। अगर आपको इस बोर्ड के प्रति पर रेजिस्टेंस लेबल, चिप लेबल, पूरे प्रिंट के मामले में अगर पता नहीं रहेगा कि कौन सा प्रिंट कहाँ पे जा रहा है, कौन से रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो हो सकता है आप ये फॉल्ट को बना नहीं पाए। अगर ये फॉल्ट कभी आप नहीं देखे हैं, तो अगर आपके पास ये फॉल्ट फर्स्ट टाइम आ जाएगा तो हो सकता है आप इसको ना रिपेयर कर पाए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक डीपली वीडियो बना रहा हूँ, जिसको आपको शुरू से अंत तक देखना है। बहुत ही यूनिक फॉल्ट है और बहुत ही रोमांटिक फॉल्ट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऐसे नए नए कंटेंट, नए नए फॉल्ट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बोर्ड में जो है प्रॉब्लम, वो ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस बोर्ड में ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहा है। इसमें 4 चैनल होते हैं, क्योंकि ये सैनवेव है तो 4 चैनल होते हैं इसमें। तो 3 चैनल में मेरा पल्स ओके है, लेकिन एक चैनल पर पल्स नहीं पहुंच रहा है। उसी के कारण ये बोर्ड 2-4 इलेक्ट्रीशियन के पास से घूर के आया है और फाइनली इलेक्ट्रीशियन ही लेके मेरे पास ये बोर्ड को रिपेयर करने लाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें इलेक्ट्रीशियन लोग क्या क्या चेंज किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 83202 तो कोई भी इलेक्ट्रीशियन चेंज करके देखेगा ही, अगर ड्राइव नहीं बन रहा है तो इसको उन्होंने ये चेंज करके देख ही लिया है। यहाँ पर 2 कैपेसिटर को भी चेंज करके देख लिया गया है, जो कि साफ पता चल रहा है कलर से। और यहाँ पे देखिए मॉस्फेट, सारे मॉस्फेट चेंज करके देख लिया गया है। देखिए इधर से, यहाँ पर जितने सारे मॉस्फेट हैं, सारे मॉस्फेट को भी यहाँ पे चेंज करके देख लिया गया है। फाइनली उनसे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका भी यहाँ पे दिमाग घूम रहा होगा कि सारा चीज़ यहाँ पे चेक करके देख लिया गया है, चेंज करके देख लिया गया है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ है, तो आखिर कहाँ से क्या प्रॉब्लम है भाई। जबकि यहाँ पे जीनर वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह मैं भी यहाँ पे चेक कर लिया हूँ अभी, यहाँ का सारा कंपोनेंट सही है। मतलब चारों चैनल का ड्राइव सेक्शन में जितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, सारे कंपोनेंट इधर के साइड ओके हैं ड्राइव साइड से, ठीक है। फिर भी यहाँ पे पल्स नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको पहले दिखा देते हैं कि पल्स कौन से चैनल पर नहीं आ रहा है और आ रहा है तो कितना आ रहा है। देखिए, मीटर के अप्रोच हमने ग्राउंड कर लिया है और मीटर को आपको सामने रख लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो दोस्तों चलिए आपको यहाँ पे 12 वोल्ट इन करके वोल्ट को चेक करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे मीटर को DC रेंज पे रख लिया हूँ और चलिए इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे UPS1 का डिस्प्ले आ गया है, स्विच 1 है। अब यहाँ पे देखिए, चारों चैनल पर हम पल्स ओके चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, इस पे मेरा कितना है, 3.9, यानी 4 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्ट है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक वोल्ट है। देखिए, यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, मतलब सही है। और दूसरे चैनल में देख लेता हूँ, यहाँ पे भी सेम वोल्ट है और यहाँ पे भी सेम है, मतलब ये दोनों चैनल में परफेक्ट वोल्ट है, ठीक है ड्राइव। अब दूसरे साइड में देख लेता हूँ, पॉजिटिव साइड देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 15 वोल्ट के करीब यहाँ पे पल्स हैं, ये भी सही है। और इधर देख लेता हूँ, यहाँ 14.23 और यहाँ पे 14.23, मतलब ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है इस पर। अब चौथा चैनल पर देख लेता हूँ, देखिए 81.90, मतलब ये वोल्ट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं मीटर पर मिली वोल्ट पे शो कर रहा है और ये भी फ्लेक्चुअल कर रहा है, मतलब ये मिली वोल्ट में जा रहा है, मतलब 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट भी यहाँ पे नहीं है, मिली वोल्ट में जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है, मिली वोल्ट में कोई वोल्ट नहीं देखा जाता, ठीक है। अगर मैं इस मीटर को वोल्ट पे सेट करूँ तो देखिएगा कितना वोल्ट दिखाएगा यहाँ पे। देखिए, पूरी तरह से 0 वोल्ट है, कोई वोल्ट नहीं, देखिए मिली वोल्ट में शो कर रहा था, क्योंकि मीटर मेरा मिली वोल्ट में सेलेक्ट था। देखिए, और यहाँ पे जो 14 वोल्ट दिखा रहा था वही दिखाएगा, देखिए 14.1, और इधर का साइड 4 वोल्ट जो दिखा रहा था वही दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ से है, इस वाले चैनल पर ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहा है, इसी से सब लोग परेशान है। तो चलिए देख लेता हूँ कि ये फॉल्ट क्यों नहीं बन रहा है। और खास करके मैं इस वीडियो में उस इलेक्ट्रीशियन को गाइड करना चाहूँगा जो इस बोर्ड को रिपेयर करने का कोशिश किया है। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो
अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपका प्रॉब्लम कहाँ था और उस प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद फाइनली मेरे पास ये बोर्ड आया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि अगले बार अगर इस तरह का फॉल्ट आए तो मेरे पास ये पीसीबी ना आए, आप ये रिपेयर कर लें, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ आपका प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेता हूँ कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से है और क्यों है। दोस्तों, यहाँ पे रिले निकला हुआ है, तो रिले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लेना देना, हो सकता है कोई कारणवश वो उन्होंने यहाँ पे इसको निकाला होगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको पलटा लेता हूँ। और तो आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मैं बीच बीच में क्लास लेते रहता हूँ इन्वर्टर के रिलेटेड। अगर इन्वर्टर का क्लास करना है आपको, इन्वर्टर के मामले में अगर आपको एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे बीच बीच में क्लास से चलते रहते हैं, तो उसके लिए मैं मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे अपना फुल एड्रेस सेंड करके छोड़ दीजिएगा। जब क्लास चलेगी उस टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अगर आप इस नंबर पे अपना फुल एड्रेस सेंड किए होंगे तो, ठीक है। अगर मेरे क्लास में आपको ज्वाइन होना है, क्लास का फ़ायदा लेना है, तो आप इस नंबर पर अपना फुल एड्रेस सेंड कर दीजिए। जब क्लास चलेगी तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखते होंगे तो एक वीडियो में पहले बनाया था इसी बोर्ड के ऊपर एक अधूरा डायग्राम बनाया था, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल था वो भी, पूरा वो डायग्राम नहीं था। वो डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास किया था ड्राइव सेक्शन को। माइक्रो कंट्रोलर पल्स निकलती है, ड्राइव आईसी में पहुंचती है, ड्राइव आईसी से निकल करके चारों चैनल में कैसे जाती है और उसके बीच में क्या क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस तो ऊपर आइकन पर हम इस वीडियो का लिंक दे दिए हैं, इस आइकन पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो उसी डायग्राम को यहाँ पे मैं खोलूंगा एक क्षण के लिए आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये फॉल्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पर डायग्राम गंदा हो गया है उस वीडियो में समझाने के कारण। तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम गंदा है या फिर क्या है उससे लेना देना नहीं हमको, समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा मेन माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। ये मेरा बैटरी लेवल सेंस के लिए एक वीडियो में समझाया था, तो इसको लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है पिन नंबर 12 और 22 23 और 24 से, ठीक है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 12 22 23 24 से ड्राइव पल्स आउट होता है। पिन नंबर 12 और पिन नंबर 22 से जो पल्स आउट होता है वो 3.4 वोल्ट आउट होता है, हाई पल्स, मतलब पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। और पिन नंबर 22 और 24 से जो पल्स आउट होता है वो 1.4 वोल्ट आउट होता है, लो पल्स ड्रेन साइड के लिए, दोनों चैनल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो पिन नंबर 12 से पल्स आउट होता है वो डायरेक्ट ड्राइव आईसी के पिन पर आउट नहीं होता है, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया गया है और बीच में एक रेजिस्टेंस को भी लगाया गया है। देखिए, यहाँ पे 12 से वोल्ट आउट हुआ है प्रिंट से, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R46 के लोकेशन पर है 470 ओम का। और यहाँ से जो पल्स आउट हुआ है, देखिए यहाँ से पल्स आउट होकर के पिन नंबर 2 पे इन हुआ है, ठीक है। पिन नंबर 12 का आपने समझ लिया, अब पिन नंबर 22 को देखिए हाई पल्स के लिए। देखिए, यहाँ से वोल्ट आउट होता है जो कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R40 पे, जो 470 ओम का ये भी है। ये पिन नंबर 7 पे इन होता है, मतलब पिन नंबर 2 और 7 पे हाई पल्स इन होता है और पिन नंबर 16 और 10 से हाई पल्स आउट होता है पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। अब दो और पिन नंबर 22 और 24, पिन नंबर 22 से देखिए एक रेजिस्टेंस R43 470 ओम के माध्यम से इस आईसी के पिन नंबर 3 पे इन हुआ, और 24 से देखिए R39 से इस आईसी के पिन नंबर 4 पे इन हुआ, मतलब लो पल्स ड्राइव आईसी के पिन नंबर 3 और 4 पे इन होता है। और आउट कितने से होता है, पिन नंबर 13 और 14 से। देखिए 13 से इधर से आया, इधर से होते हुए ड्रेन साइड चला गया, और 14 से देखिए इधर से होते हुए इधर वाला ड्रेन साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन साइड ओके है, तो इसका मतलब पिन नंबर 22 और 24 का मेरा यहाँ पे कोई फंदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्रेन साइड का वोल्ट ओके है। अब बच जाता है यहाँ पे पॉजिटिव साइड में एक चैनल का वोल्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे फंदा बन जाता है पिन नंबर 12 और पिन नंबर 22। अब आपको यहाँ पे ये कंफर्म होना पड़ेगा कि कौन से चैनल के लिए पिन नंबर 22 है और कौन से चैनल के लिए पिन नंबर 12 है। तो इसको हमको डीपली नहीं समझना है, मैं चेक कर लेता हूँ इसके रेजिस्टेंस को, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के पहले सारे चीज़ को यहाँ पे पहले गेज किया कि आखिर ये फॉल्ट वो सारे इलेक्ट्रिशियन से क्यों नहीं बन पाया। तो मेरा जो प्रॉब्लम निकला, वो प्रॉब्लम निकला है ये रेजिस्टेंस से, R46 जो कि 470 ओम का है। इसीलिए मैं सीधा आपको इधर से ना समझाते हुए सीधा आपको फॉल्ट पे दिखा दिया, आपको यहाँ पे समझाया भी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो वीडियो का लिंक दिया हूँ आइकन पे, वहाँ पे जाइए, ड्राइव सेक्शन को वहाँ से अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है।
फिर भी यहाँ पे आपको बता दिया कौन सा पिन कहाँ से आउट होता है, कौन से इन होता है सो। लेकिन जो इस बोर्ड में प्रॉब्लम है वो R46 से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे पिन नंबर 12 पे वोल्ट तो आउट होता है, लेकिन पिन नंबर 2 पे सही ढंग से वोल्ट नहीं इन होता है, जिसके कारण से मेरा पिन नंबर 16 से वोल्ट आउट नहीं हो रहा है और ये चैनल पे वोल्ट नहीं पहुँच रहा है, चैनल नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ आपको वोल्ट को चेक करके लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों एक बार मैं आपको वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ कि इस माइक्रो कंट्रोल पर वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको मैं चेक करके दिखा, ये हमने 12 वोल्ट कनेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पे पिन नंबर 12 ये है, तो पिन नंबर 12 पे 3 पॉइंट, तो पिन नंबर 12 पे कितना वोल्ट आउट हो रहा है देखिए 3.1 वोल्ट, और पिन नंबर 22 था 24 14 हो गए इधर 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 पे 1.8 जो लो पल्स है, और 23 पे भी 1.8 और 23 पे 3.1 यानी 3 वोल्ट जो पिन नंबर 12 पे बन रहा था, और 24 पे 1.8 यानी पिन नंबर 22 और 24 पे लो पल्स बन रहा है, और पिन नंबर 23 और पिन नंबर 12 पे लो पल्स बन रहा है, मतलब माइक्रो कंट्रोल से वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पिन नंबर 12 से जो वोल्ट आउट होता है वो आपको अभी दिखाएं डायग्राम में, पिन नंबर इसके ड्राइव आईसी के पिन नंबर 2 पे पहुंचती है, तो देखिए 2 पे वोल्ट पहुंच ही नहीं रहा है, और पिन नंबर जो 23 से वोल्ट आउट होता है हाई पल्स वो इस आईसी के पिन नंबर 7 पे इन होता है, तो 7 पे ये 2.5 वोल्ट आउट हो रहा है, 2.5 वोल्ट इन हो रहा है कुछ वोल्ट ड्रॉप होकर के, और पिन नंबर 22 और 24 से जो लो पल्स ये आउट करता है वो इस आईसी के पिन नंबर 3 और 4 पे इन होता है, देखिए 1.5 आ रहा है 1.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1.8 आ रहा था तो कुछ वोल्ट ड्रॉप होता है क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया था, तो दोस्तों डायग्राम में R46 का यहाँ पर इशू मिला है, तो देखिए R46 मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, R46 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक साइड वोल्ट है लेकिन दूसरे साइड वोल्ट नहीं है। अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं चेक करके दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है, ठीक है। इसको 12 वोल्ट से डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस का मान को चेक करके दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है। मीटर को हमें ओम के रेंज पे रखना है, देखिए यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक मेरा मीटर जाएगा, कितना ओम का है कितना क्या है सारा चीज वो खुद से गेज करेगा, देखिए R46 कितना दिखा रहा है ये देखिए 0.78 0.76 ऐसे कुछ मेगा ओम में जा रहा है, देखिए यहाँ पे मेगा ओम शो कर रहा है, ठीक है। ओम होता है तो ओम केवल शो करेगा, और किलो ओम में रहेगा तो किलो ओम शो करेगा, लेकिन यहाँ पे जो शो कर रहा है देखिए ये मेरा 540 ऐसा कुछ, मतलब ये मेगा ओम में शो कर रहा है, मतलब ये ऑन ओम भी नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे ये ऑन ओम का भी मान नहीं रहा है, ऑन ओम भी नहीं है, ये जीरो पूरा जीरो हो गया है, मेगा ओम में चला गया है। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है, और इसके जगह पर हम ये देखिए हीट के कारण मैं इसको प्रेस किया तो उखड़ भी गया, मतलब इतने तरीके से ये हीट हुआ है, जैसे मैं इसको प्रेस किया ऐसे निकल भी गया, इसका मतलब बहुत ही वो हीट हुआ होगा, तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्राइवर आईसी खराब हुआ होगा पहले, जिसके कारण से ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिशियन लोग यहाँ पे रिपेयर करने का कोशिश किए हैं, ये ड्राइवर आईसी को यहाँ पे न्यू लगा दिए, तो यहाँ पे न्यू लगाने की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन चैनल पर यहाँ पे ड्राइव बन रहा था, केवल एक चैनल पर मिस हो रहा था, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं लगा लेता हूँ न्यू, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका पल्स चेक करके ठीक होता है कि नहीं। तो दोस्तों मेरे पास इससे भी छोटा था रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो मेरे पास नहीं था, इससे थोड़ा बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं। बहुत ही अच्छे ढंग से लग गया है, और इसको मैं बाद में सफाई कर दूंगा, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ सफाई फर्स्ट, काम करने से काम करने के बाद सफाई जरूर कर दें। तो यहाँ पे मैं सफाई कर दूंगा, आपको पहले वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो पल्स नहीं बन रहा था वो देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं। देखिए ये मेरा इधर सर पल्स ओके था, लेकिन ये आउट नहीं कर रहा था, अब देखता हूँ देखिए ये आउट कर रहा है, ठीक है, कुछ वोल्ट ड्रॉप करके। तो अब देख लेता हूँ ये चैनल पे जो नहीं बन रहा था वोल्ट वो बना या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे यही चैनल पर पल्स नहीं बन रहा था, जो कि अभी देख सकते हैं दोनों वोल्ट मैनेज में आ गए, यहाँ पे ये वोल्ट
ये चैनल में वोल्ट नहीं बनने के कारण थोड़ा सा वोल्ट यहाँ पे ज्यादा बन रहा था, 15 वोल्ट के करीब, 14.5 वोल्ट के करीब। तो यहाँ पे देखिए मैनेज में आ गया है 14 वोल्ट, और इधर 14 वोल्ट, इधर इधर भी 14 वोल्ट, और इधर भी 14 वोल्ट। इधर तो मेरा पहले से भी ठीक था, लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कोई कारण बन गया हो। देखिए इधर भी मेरा सही है, देखिए इधर भी सही है और इधर भी सही है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो बोर्ड में प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा एक छोटी सी रेजिस्टेंस से जिसका वैल्यू शिफ्ट हो गया था, और उसके कारण से ये बोर्ड दो चार इलेक्ट्रिशियन के पास से घूर के आया है। तो जो इलेक्ट्रिशियन इसको रिपेयर करने का कोशिश किए हैं उनको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप देखिए कहाँ से मिस किए थे, जिसके कारण से आप इस फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है आप इस सब रेजिस्टेंस को चेक नहीं किए होंगे। जो माइक्रो से वोल्ट आउट होता है और ये ड्राइव आईसी में इन होता है, उसके बीच में रेजिस्टेंस लगाया गया है, तो वो सारा चीज़ भी आपको चेक करना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।